गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। एंड जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैं अपने हाउस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली अब नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है एंड उसके बाद दशहरा आएगा और उसके बाद आपको पता ही है इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और दिवाली भी आएगी। तो दिवाली की तैयारी अगर आपको करनी है तो क्लीनिंग अभी से शुरू कर दीजिए। तो मेरा तो हर साल का यही फंडा है, उससे क्या होगा आपको अपने लिए टाइम मिल पाएगा और घर को डेकोरेट करने के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप उस टाइम पे क्लीनिंग में लगेंगे ना तो आपको वो टाइम नहीं मिल पाएगा और फिर आपको एकदम फ्री टाइम मिलेगा, आपको पूरा घर क्लीन मिलेगा और आप उसमें जैसे मन चाहे उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने तो अपनी हाउस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है एंड कल मैंने अपना पूरा किचन क्लीन किया। तो चलिए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। आज अभी उसको मैनेज करना है बट टोटली क्लीन मैं उसको कर चुकी हूँ। तो कुछ आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, करती हूँ फॉलो। एक्चुअली मेरी किचन थोड़ा ओपन मतलब उसमें ड्रॉर्स वगैरह नहीं है, तो कोई नहीं यार। लेडी तो एक ऐसी चीज होती है कि वो जंगल में भी घर बना ले, जंगल में भी मंगल कर ले। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे किचन में एक स्लैब है, इधर मेरा माइक्रोवेव रखा हुआ है एंड इधर सिर्फ ये, इधर एक ड्रॉर, इधर सिर्फ ये है सामान रखने के लिए एंड पूरा नीचे इस तरह से ओपन है। तो कुछ आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। देखो पीछे का पोर्शन थोड़ा सा डिवाइडेड है यहाँ पे, इसको मैंने क्लीन किया, ये ऐसे ही रहता है। इधर मेरा लगा हुआ है वाटर फिल्टर आरओ एंड यहाँ पर सिंक एरिया है जो कि काफी ओल्ड है और ये स्पॉट्स वगैरह जाते नहीं, कितना भी क्लीन कर लो। पूरी तरह मैंने इसको क्लीन किया है तो कुछ आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में। तो मैं सोची इसको कवर करती हूँ किस चीज से, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हर मंथ और मैंने हेयर में ऑयलिंग की हुई है बहुत ज्यादा। तो प्लीज डोंट माइंड, लुक थोड़ा अजीब हो रहा है क्लीनिंग में, तो यार आपका भी ऐसे ही हो जाता होगा। और तो सोचो इसको किसी चीज से कवर करती हूँ, कुछ कर्टेन वगैरह कुछ आइडियाज दिमाग में चल रहे हैं तो आपके साथ में शेयर करती रहूंगी, जुड़े रहना आप लोग। सो दोस्तों क्लीनिंग का काम काफी हो जाता है एक दिन में, तो किचन की भी क्लीनिंग नहीं हो पाती। मैं कल से लगी हुई हूँ एंड आज का दिन भी मेरा अभी बज रहा होगा, एक बज रहा होगा। लेकिन काम को धीरे धीरे आराम से करने में जो मजा होता है, मतलब काम को भी इंजॉय करते हुए करना चाहिए, मेरी तो थिंकिंग ये है। क्योंकि मैं तो जब भी कुछ काम करती हूँ उसको फन के रूप में, मेरी आदत यह है कि बीच में म्यूजिक चला के कुछ डांस वांस करके आ जाऊंगी, फिर काम कर लूंगी, फिर बाहर थोड़ा घूम के आ जाऊंगी, फिर डांस कर लूंगी। तो वो काम मुझे बर्डन की तरह नहीं लगता, और एक साथ लगे रहो तो लगता है कि भाई हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं। तो लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि तुम तो इतनी फनी हो, इतनी हैप्पी कैसे रहती हो। तो ये सबसे बड़ा, अगर आपको हैप्पी रहना है तो अपने काम को फन के रूप में कीजिएगा, मतलब अपने काम को ही फन बना लो यार। हम लेडीज का काम ये एक दिन का नहीं है, डेली का काम है। अगर आप इसको स्ट्रेस लेके करोगे तो आप की लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसी को आप फनी वे में और बहुत हैप्पी होके करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि मैं अभी, बहुत लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि घर की क्लीनिंग कैसे होगी, त्योहार आ रहे हैं, लेकिन आई एम एंजॉयिंग यू नो, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ, आई एम हैप्पी। तो आप भी हैप्पी रहना सीखो। और स्ट्रेस की बात जहां तक ये है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आप मेरे फेस को देख के या मैं आपके फेस को देख के ये कोई नहीं पता लगा सकता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जरूरत भी क्या है यार, लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के साथ में है। तो हमें अपनी लाइफ जीनी है तो उनसे थोड़ा ऊपर उठ के कुछ जीना पड़ेगा, हैप्पी रहना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ का तो यार यही फंडा है। और तो मैं अपनी किचन को कैसे कैसे सेट करूंगी सोचा है, आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं स्पेशली मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड यार थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लोगों को आदत होती है, देखिए मतलब उन लोगों को ये लगता है कि तुम घर का काम कब करती होगी, तुम तो सोशल मीडिया पे पूरे टाइम एक्टिव रहती हो, फेसबुक पे एक्टिव रहती हो, यूट्यूब पे एक्टिव रहती हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो। तो यार जब हम रोटियां सेक रहे होते हैं ना तो फोन भी हम सामने रख लेते हैं। तो एक लेडी जब पूरे घर को मैनेज कर सकती है ना तो एक्टिव भी रह सकती है सोशल मीडिया पे। मतलब ये नहीं है कि हम अगर घर का काम कर रहे हैं तो हम अपने शौक को या अपने जो हमारे अंदर जिस चीज से हमको हैप्पीनेस मिलती है उसको पीछे छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड डोंट जज लेडीज, कभी भी गर्ल्स को और लेडीज को जज मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो टाइम पीछे छूट गया है। और सब कुछ बदल जाएगा लेकिन ये दुनिया नहीं बदलेगी। और पहले क्राइम करते हैं फिर लड़कियों के लिए कैंडल मार्च करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि डोंट जज लेडीज एंड गर्ल्स। देखिए मैं अभी सोशल मीडिया कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब लड़कियों को बच्चों को दोष देते हैं। तो आई एम अ मदर ऑफ टू किड्स, मैं दो बच्चों की मम्मा हूँ
और जब वो मेरे लिए मुझको ऐसे कमेंट कर सकते हैं, तो छोटे बच्चे जो कॉलेज गोइंग है और छोटी लड़कियां, उनकी लाइफ कितनी अनसेफ है। तो यार हमें अपनी हिम्मत खुद बनना है और ये चार दीवारी में ही छुपके नहीं रह जाना है। अगर हम लोगों के अंदर कुछ पैशन है कुछ करने का, तो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो अपने आपको फाउंडेशन में बंदरों में मत बांधिएगा, निकल जाइए बाहर। अपने घर को भी संभालते हैं लेडीज, देखिए आप कितनी लेडीज काम करती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं, फिर अपने घर को आके भी मैनेज करती हैं। तो औरत की कोई लिमिट नहीं होती है और हमारी सीमा हमें पता है, आप लोग हमें हमारी सीमा मत समझाइएगा। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसे ही आपको अपडेट देती रहूंगी, मेरे साथ में जुड़े रहिएगा एंड कीप स्माइलिंग, हैप्पी रहिएगा। देखिए आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन एक हैप्पीनेस, एक स्माइल एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी का रंग बदल देती है, और उसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। बस आपको अपने अंदर अपने आपको पहचानना होता है। ढूंढिए वो चीजें, अगर आप स्पेशली एक लेडी हैं तो, कि आपको किस चीज से हैप्पीनेस मिलती है, वो काम कीजिए। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो म्यूजिक चलाइए ना फुल वॉल्यूम में, डांस कीजिए, इंजॉय कीजिए। क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में सब लोग अपने अपने काम से निकल जाते हैं, सब लोग अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, अकेली एक लेडी घर पे रुकती है जो घर का सारा काम मैनेज करती है, सबके लिए खाना बनाती है, पूरा घर क्लीन करती है, सब कुछ करती है। उसके बाद अगर वो दो पल अपने लिए हैप्पीनेस के लिए निकाल लेती है, तो उसमें क्या बुराई है दोस्तों? कोई बुराई नहीं है। तो डोंट जज लेडीज, क्योंकि लेडी वो है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। ये जो पूरी दुनिया चल रही है ना, ये पूरी एक लेडी से ही चल रही है। अगर लेडी ना होती, एक औरत ना होती, तो ये भी ना होती शायद। और जिस दिन ये बात आदमियों के समझ में आ जाएगी, पुरुषों के समझ में आ जाएगी, तो शायद माहौल चेंज हो जाए, कैंडल मार्च ना करने पड़े। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल और स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना और ये शेयर कर दो, थोड़ा शेयर करने में क्या जाता है, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, आई नीड सपोर्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।